पूरी तरीके से असंवैधानिक है, जो संविधान के अंदर आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 के अंदर जो हमें अधिकार मिले हैं उनका पूरी तरीके से वायलेशन है। और जिस तरह से सरकार करना चाहती है वो वक्फ की जो लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है उसको खुर्द-बुर्द करने की तैयारी है, उसके ऊपर कब्जा हो जाए। मैंने तो कहा है कि आप बताइए कि जो इतनी कब्जा हुई हुई वक्फ की प्रॉपर्टी है पहले उसे कब्जा मुक्त करा करके क्या करा, सरकार को जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रही है और सरकार अपने एजेंडे के ऊपर नई नई बातें करते हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया जा रहा है। क्या ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं आपको वक्फ के अधिकारी खत्म कर रहे हैं, आप ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, आप तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को खुद बुर कराने की बात कर रहे हो, आप ट्रांसपेरेंसी कहा ला रहे हो। किरण रिजिजू ने साफ साफ कहा कि इसमें इतने सालों से केस पेंडिंग है, बहुत सारे मामलात है, मुस्लिम महिलाओं को इसमें मेंबर तो पहले से है मुस्लिम महिलाएं, ये क्या बात कर रहे हैं आप, पहले से मुस्लिम महिलाएं मेंबर है, कैसी बात है ये, मतलब आप ऐसी बात मत करें ना, पहले से मुस्लिम महिलाएं मेंबर है और आप दूसरे जो आप हिंदू बंदोबस्त अधिनियम वो हैं ट्रस्ट हैं उनके अंदर जो ट्रस्ट के अंदर उसी धर्म के मानने वाला चाहिए, चाहे जो श्वेतांबर का और चाहे जैनियों का, चाहे वो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी हो, उसी धर्म के मानने वाले लोग उनके ट्रस्ट के अंदर जाते हैं, उनके उनके वो चीज शर्त लागू होती है। मुसलमान पे ये क्यों है कि यहाँ गैर मुस्लिम जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।